हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। हम बात कर रहे थे सीआई की, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। और सीआई से ही है कोरोना, मतलब सी से ही कोरोना है और सी से ही कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते हमारी सोसाइटी तक पहुंच गया है। तो आप लोग भी ध्यान रखें अपना, ठीक है। किसी को भी हो सकता है, शहनशाह को भी हो सकता है और आम नागरिक को भी हो सकता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे सीआई की। इसमें चार चीजें होती हैं, प्रिंसिपल, रेट, टाइम और सीआई, ठीक है। जैसा कि जब हम एसआई पढ़ रहे थे, साधारण ब्याज को पढ़ रहे थे, तो उसमें भी चार चीजें थी, प्रिंसिपल, रेट, टाइम और एसआई। तो इन चार चीजों में से कोई भी तीन चीजें आपको देख के चौथी आपसे पूछी जा सकती है। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लासेस में करवाए थे, पिछली क्लास में, उसी तरह के क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं, एक तरीके के रिवीजन के साथ। और फिर इन चारों में से अभी तक हम एसआई को गायब कर रहे हैं, सीआई को गायब कर रहे हैं, अगले क्वेश्चंस में इन तीनों में से हम गायब करते हैं, ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन का तरीका समझ में आता है तो बाकी भी वैसे ही हैं, सिर्फ गायब करने वाली चीज बदल जाएगी, पैटर्न वही रहेगा, ठीक है। तो हम कर रहे थे एसआई से कंपेरिजन और ऑप्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 4,000 रुपए की जो राशि है वो 12.5% से 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो आपसे मैंने कहा था जो पहला साल होता है उसमें एसआई और सीआई सेम होता है, यानी सिर्फ एक ही साल एक्स्ट्रा है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एसआई से कितना होगा। तो 12.5%, 12.5% 2 साल में होगा 25%। 4,000 का 25% कितना होता है, एक चौथाई, यानी 1,000, इसका चौथा हिस्सा, ठीक है। तो 1,000 जुड़ के एसआई होगा 5,000, एसआई के थ्रू ये 5,000 होगी। तो हमेशा सीआई जो है ज्यादा ही रहेगा, तो 5,000 नहीं हो सकता, 5,000 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अब ये दोनों ऑप्शन बचते हैं। अब इसमें कितना ज्यादा वो हो सकता है, तो सिर्फ 2 ही साल हैं, एक ही साल उसको ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। और एक साल में वो कितना ज्यादा हो पाएगा, मैंने आपसे बताया है कि ये ब्याज पे ब्याज है, ठीक है। सीआई को हम किस तरह देखते हैं, ब्याज पे ब्याज के रूप में देखते हैं। तो ये जो इसमें एडिशन होगा 5,000 से, जो एडिशन होगा एसआई से, वो ओनली कितना होगा जो इस 4,000 का पहले साल में सीआई होगा, ठीक है। तो 12.5% जो होती है वो आठवां भाग होता है, ठीक है। हमने जो परसेंटेज पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि जो 12.5% होता है, 12.5% वो आठवां हिस्सा होता है, एट्थ पार्ट होता है। तो 4,000 का एट पार्ट है 500, ठीक है। तो 500 का जो ये ब्याज हो गया, ये सीआई हो गया पहले ईयर का, तो अगला जो होगा वो ओनली इसी का ब्याज पे ब्याज, यानी ये जो ब्याज है इसी का 12.5% और आया होगा, तो वो होगा 62.5, और आंसर क्या होगा, 5,062.5। ये 152.5 नहीं गया होगा वो, क्यों? क्योंकि एक ही साल है। अगर 3 साल होता तो फिर हम देखते इस ऑप्शन की तरफ। अभी आपको पता है कि ये तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एसआई के बराबर और कम नहीं हो सकता है, सीआई सिर्फ ज्यादा हो सकता है। कितना ज्यादा हो सकता है ये हम देख रहे हैं ब्याज पे ब्याज से, ठीक है। तो अभी तक हम सीआई निकाल रहे थे, अब हम इन तीनों में से किसी को गायब करते हैं और देखते हैं फिर क्वेश्चन किस तरीके से होगा। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, कौन सी राशि जो है वो 10% से 3 साल के बाद 1331 हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता है, क्योंकि मैंने इसको पूरा 1,000 को प्रिंसिपल लेके सीआई और एसआई आपको 3 साल तक एक्सप्लेन किया था, इनका डिफरेंस समझाया था, ठीक है। लेकिन अगर ये आपको नहीं पता हो उस तरीके से, तो फिर आप कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे। 1331 के लिए भी मैंने आपको बोला है कि ये आपको जहां मिलता है ये क्यूब है 11 का, ठीक है। तो उस तरीके से इसको देखा जाएगा। और 1331 जो मैंने आपको कंपेरिजन किया था, वो भी इसीलिए किया था ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल लेके, क्योंकि कई जगह क्वेश्चन में मिलता है, ठीक है। अगर हमने उस तरीके से कंपैरिजन नहीं किया है और आपको नहीं पता है कि 1,000 इसका आंसर है, तो आप किस तरीके से देखेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल गायब है, ठीक है। जैसा मैं बोल रहा था कि अब हम सीआई की बजाय कुछ और गायब करेंगे, तो यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है और आपको रेट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है और सीआई दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे इसमें, वही जो आपको बोला है, कंपैरिजन विद एसआई। तो 10% की रेट अगर हम लेते हैं, ठीक है, 10% की रेट से 3 साल में ये 1100 इससे ऑलरेडी ऊपर जा रहा है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। 10% से अगर इसको हम लेते हैं तो ये बहुत नीचे है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। कैसे हम देख रहे हैं, एसआई के थ्रू देख रहे हैं, ठीक है। इसकी 10% मतलब इसकी 30% जो होगी, इसकी 30% ऑलरेडी इसको 1400 पर लेके जा रही है, तो ये नहीं होगा। इसकी 30% 270,
जो है बहुत इससे नीचे है तो नहीं होगा। अभी दोनों ऑप्शन को हम देखते हैं तो देखिए 1000 से 300 आएगा 30% से, 1330 आएगा, सॉरी 1300 आएगा 300, इसमें ऐसा ही अगर हम जोड़ते हैं। और 10% से हम बात करते हैं तो जो फर्स्ट ईयर के बाद 1100 आया होगा, ठीक है, उससे ब्याज जुड़ेगा और फिर इसके बाद जुड़ेगा, यानी 20 रुपए ही ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ये आपको अंदाजे से क्यों करना है और अंदाजे से आपको क्यों लगाना है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप तुक्का मार रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, परफेक्ट तरीका है, क्योंकि आप SI के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। SI को अगर आप बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए CI उससे भी ज्यादा इजी होगा। क्यों 950 के लिए मैंने क्यों नहीं सोचा, क्योंकि 950 की जब मैं 30% निकालता हूं, ठीक है, तो वो 95 × 3 यानी वो 285 आती है, ठीक है। 285 जब मैं इसमें प्लस करूंगा और उसके बाद में उसकी मैं 5% निकालने जाऊंगा, 10% अगली बार में निकालूंगा, तो 0.5 में कुछ आएगी, ठीक है, या 5 आएगा लास्ट में, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ 980 ऐसा कुछ ऑप्शन होता, 980 970 ऐसा कुछ होता, तब भी आप कैसे उसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये पूरा नंबर है, 1331 पूरा नंबर है। 3 साल तक जाते जाते जब आप 2 बार ब्याज पे ब्याज निकालोगे तो वो पॉइंट्स में चला जाएगा, अगर इस तरह के नंबर होंगे, ठीक है। परफेक्ट नंबर है, मींस परफेक्ट नंबर ही आपको चाहिए, ठीक है, और अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप परफेक्ट देख भी पाओगे। तो इस तरीके से ये जो कंपैरिजन का आपके पास तरीका है, ठीक है, ये कभी फ्लॉप नहीं होगा, पहला इसका फायदा, दूसरा आपको कुछ याद नहीं रखना, तीसरा बहुत ही सिंपलेस्ट है, और चौथा फास्टेस्ट है, ठीक है। अगर आप इसको सेकंड तरीका जो नॉर्मल तरीका है CI का, उससे अगर आप करते हो तो प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, ठीक है, आप यहां पे करोगे 1+R/100T, टी की जगह आप 3 लगाओगे, रेट है 10, ठीक है, 110/100 इसको आप सॉल्व करके सामने रखोगे 1331, ठीक है। यहां से आप 11 के क्यूब को कट करोगे और ये वहां जाके 1000 बनेगा, ठीक है। कैलकुलेशन आपको थोड़ी करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, लेकिन यहां आपको अंदाजा नहीं लगा रहे हो, सिर्फ SI से कंपैरिजन कर रहे हो और परफेक्ट आंसर मिल रहा है बिना कुछ किए और बहुत ही जल्दी 10 से 15 सेकंड में, ठीक है। तो ये जादू है SI से आपको कंपैरिजन करने का, अगर आप SI और परसेंटेज को बहुत अच्छी तरीके समझते हो तो CI आप उनके जरिए खेलोगे और आपको CI के पर्टिकुलर फॉर्मूलाज में नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रिंसिपल की जगह कुछ और गायब करते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, इसमें आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है, CI दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट नहीं दी है, ठीक है। तो रेट यहाँ पे गायब है, क्वेश्चन उसी तरह का है, सेम है, 4000 किस दर से 2 साल में 5290 हो जाएगी, ठीक है, यानी ये जो 4000 है इससे ये बन रहा है, रेट आपको बतानी है। तो देखिए 4000 से अगर आप 10% लेंगे, ठीक है, हम SI कैलकुलेट करेंगे, CI नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम SI से ही कंपैरिजन करा के देख रहे हैं। तो 10 अगर आप लेते हो 20%, 4000 का 20% से ओनली 4800 तक आप पहुंचोगे, ठीक है, ये नहीं होगा। 20% से आप काफी आगे निकल जाओगे, ठीक है, 800 होगी इसकी 20%, 1 पॉइंट पीछे लेते हैं तो 10% बनती है 400 का डबल, 800 इसकी 20% होगी, 800 से आप ऑलरेडी इससे आगे निकल जाओगे। तो एक दो ऑप्शन तो आपके ऐसे होंगे जो SI से वैसे ही हट जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं 15 और 16 की, तो देखिए 16 से भी 16 × 4 = 64, ठीक है, 16 × 64, तो यहां से 640 मिलेंगे आपको, 640 से आप डबल करोगे 1280, यानी आप 125280 पे तो वैसे ही आ रहे हो, CI के लिए जगह ही नहीं बच रही है, ठीक है, SI ही पूरा यहां तक पहुंचा दे रहा, तो ये भी नहीं होगा, आंसर ही हो गया। अगर हम 15 से कैलकुलेट करते हैं तो देखिए 4000 से इसका 600 होगा 15%, 15 × 4 = 60, ठीक है, तो 1 पॉइंट आप पीछे लोगे, 400 इसका 10% है और 5% होगा 200, तो 600 जो है 600 इसका 15% है, 600 600 दो बार जुड़ेगा, 5
2,000 आएगा और 600 का ब्याज पे ब्याज करोगे तो इसका 15% निकालोगे तो वो 90 और एक्स्ट्रा एड हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको 15 ही है। दो साल हो या तीन साल हो, आप देख रहे हैं दोनों ही के लिए, दो साल और तीन साल दोनों के लिए सीआई आपको इतना इजी आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, रीजन है एसआई, ठीक है। एसआई आपके अच्छी तरह आपको आता है, परसेंटेज आपको अच्छी तरह आती है, तो सीआई आपको दो साल तीन साल तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम 99% पूछे जाते हैं, ठीक है। दो साल और तीन साल से आगे नहीं जाते हैं सीआई में, क्योंकि कैलकुलेशन से लोग डरते हैं। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करेंगे तो 4000 आप लेते हैं इधर, ठीक है, 1+ रेट आपको पता नहीं है, कुछ आप मानेंगे, ऊपर आप दो साल लगाएंगे और सामने आप लिखेंगे 5290। ये तरीका आपके पास बचता है, फिर आप इसको इधर लेके जाएंगे, फिर ये रूट है 23 का, ये रूट है 20 का, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आपका 115 आएगा, तो 15% आप लगाएंगे। तो इस कैलकुलेशन से लोग भागते हैं, इसीलिए सीआई को अटेम्प्ट नहीं करते हैं। अगर हम एसआई के थ्रू इसको अटेम्प्ट करें तो ये कितना इजी है, ठीक है। अब कुछ और गायब करके देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा आपके सामने, इसमें आपको प्रिंसिपल दिया है, रेट दी है, सीआई दिया है और आपको उसने गायब कर दिया है टाइम, ठीक है। तो हमने सीआई गायब करके देख लिया, रेट गायब करके देख ली, प्रिंसिपल गायब करके देख लिया, लास्ट है टाइम को हम गायब कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा 6000 जो है 10% की दर से 7986 हो जाएंगे, तो ये बढ़ रहे हैं 6000 से 1986, ठीक है, इतना ये बढ़ रहा है। तो आप कंपैरिजन कराओगे एसआई से, तो 10% इसका है 600, ठीक है, यानी ये ऑलरेडी 300 जो 30% है इसका 1800 1800, तो वहां से 1800 आता है, उससे ऊपर है, ठीक है, दो साल से बहुत दूर है, 2.5 से बहुत दूर है, ठीक है। अब जो 3.5 है उससे अगर हम देखते हैं तो ये ऑलरेडी इसके पार निकल जाएगा, क्योंकि 3 इसके आसपास आ रहा है, 0.5 करेंगे, ठीक है, तो वो इसके बिल्कुल पास आ जाएगा, तो सीआई के लिए जगह नहीं बचेगी, क्योंकि सीआई पे 3 साल है, ठीक है, सॉरी मतलब आपको टाइम दिया नहीं है, लेकिन ये 3 साल के आसपास आपका आ रहा है 1986, तो इतना ज्यादा जाने के लिए ब्याज पे ब्याज भी दो बार लगेगा, क्योंकि 3 साल तक अगर बात जा रही है, आपके एसआई के 3 साल के पास ही आ रहा है, तो 2 बार आपका ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो उसके लिए भी जगह होनी चाहिए, जो इसमें नहीं है, ठीक है। तो यही ऑप्शन दिख रहा है। अब अगर हम करके भी देखते हैं, वैसे तो आपको कंपैरिजन से हो गया, और मोस्ट ऑफ द केसेस मैं आपको बता दूं कि आंसर वही होगा जो आपके एसआई के पास में होगा, ठीक है, क्योंकि सीआई में कैलकुलेशन आपको इतनी ज्यादा हार्ड नहीं दी जाती है, काफी मतलब ज्यादातर एग्जाम्स में सीआई का फायदा यही है कि उससे लोग ऑलरेडी डरते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा घुमा के बहुत ज्यादा आपको डीपली क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, जैसा हमने एसआई में देखा था, ठीक है। अगर आप एसआई से कंपैरिजन करके सीआई को करेंगे तो ये बहुत ही आसान रहेगा, और इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, और मोस्टली जो आंसर रहेगा वो एसआई के आसपास रहेगा, ठीक है। ये तो हमने फर्स्ट तो एसआई से कंपैरिजन करके ऑप्शन से लगा दिया, अगर हम इसको परफेक्टली भी करना चाहते हैं तो 600 3 बार इसका ब्याज होगा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। फिर ये जो फर्स्ट ईयर का 600 होगा, इसका 60 इसमें जुड़ेगा, ठीक है, ब्याज पे ब्याज 10%, और जब अगली बार होगा तो ये 60 तो जुड़ेगा ही, साथ में एक बार और ये जुड़ेगा, ठीक है, नहीं जब हम फाइनल निकालेंगे तो थर्ड टाइम के लिए क्या होता है, एक बार तो ये 60 जुड़ता है और एक बार ये यहां पे ये 60 जुड़ के कितना हुआ होगा 6600, तो उसका 66 और जुड़ता है, ठीक है, 10%, तो ये हो गया, और ये 60 जो जुड़ा था वो भी आप जोड़ोगे सेकेंड ईयर वाला, तो ये 60 60 120 और 66 यानी 186 ये आपका जुड़ा हुआ है, फाइनल परफेक्ट आंसर आपका 3 है, ठीक है। तो ब्याज पे ब्याज जो मैंने आपको समझाया था 1000 से लेके पिछली क्लास में, अगर वो समझ में आया तो परफेक्टली आपको पता है, नहीं परफेक्टली पता है तो अंदाजे से पता है, नहीं पता है तो मोस्टली जो आंसर है वो एसआई के पास ही रहेगा, ठीक है। अगर हम इसको फॉर्मूला से करके देखना चाहते हैं थर्ड हमारा तरीका, तो आपको क्या करना होगा, 6000 × 1+10/100 की पावर, अब यहाँ पे पावर आपको पता नहीं है, ठीक है, 7986,
फिर ये क्यूब है किसी का, ये क्यूब है किसी का, ठीक है, उस तरीके से आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और क्यूब में तब आप आंसर दे पाएंगे कि 3 साल जो है वो आपका आंसर है। तो सबसे मुश्किल आपको टाइम वाला पड़ जाएगा इस केस में, क्योंकि आपको पावर ही पता नहीं है, ठीक है। तो ये तरीके से हमने देखे किसी किसी चीज को गायब करके। अब हम कंपैरिजन देखते हैं फिर से एसआई और सीआई का गुने वाले क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, अगला जो पैटर्न आएगा उसके लिए किस तरीके से चलते हैं, ठीक है। अब हम एसआई और सीआई का कंपैरिजन फिर से देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न के लिए। अभी तक आपने एक पैटर्न के लिए देखा सीआई और एसआई किस तरीके से चलते हैं ताकि उनका कंपैरिजन करके हम आंसर दे पाए। अब नेक्स्ट पैटर्न के लिए हम इनका कंपैरिजन देख रहे हैं कि ये किस तरीके से बढ़ते हैं। अगर कोई 2000 आपने प्रिंसिपल ले लिया है और आपको वो बोला जा रहा है कि ये जो 2000 प्रिंसिपल है ये 2 साल में 3000 हो जाता है, ठीक है, क्या आपको बोला जा रहा है कि 2 साल में 3000 हो जाता है, तो ये 50% बड़ा है, ठीक है, 2000 से 3000 हो गया है। अगर गुना में देखें तो 1.5 टाइम्स हो गया है, और परसेंटेज में हम देखें तो ये 50% बढ़ गया है, यानी जो इसकी रेट है वो 25% की है, ठीक है। और अगर आगे हम चलेंगे तो अगले 2 साल के लिए फिर से अगर आपको टाइम दिया जाएगा तो ये 3000 से 4000 होगा, और ये 4000 से अगले 2 साल में 5000 होगा, ठीक है। यानी एसआई के लिए आपको पता है कि ये अगर 1000 बढ़ रहा है 2 साल में तो 1000 ही बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं है कि उसके बढ़ने की स्पीड में कोई कमी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल सेम रहता है, ठीक है। अगर इस कंपैरिजन को हम देखेंगे सीआई के लिए तो यहाँ पे देखा जाता है, ध्यान रखें आप, एसआई में देखा जाता है परसेंटेज को, ठीक है, और सीआई में देखा जाता है इसको, टाइम्स को, कि कितना टाइम्स चल रहा है। तो अगर ये सेम कंडीशन में आपको सीआई में दूं कि जो 2000 है वो 2 ईयर्स में 3000 हो जाते हैं सीआई की किसी रेट से, ठीक है, अगर आपको ऐसा दिया जाता है कि सीआई की किसी रेट से हो जाते हैं तो आपकी नजर जो होगी वो इस पे होगी 1.5 टाइम्स पे, ठीक है। यहाँ पे एसआई में आप परसेंटेज देखते हो लेकिन सीआई में आपको देखना है कितने टाइम्स हो रहा है। तो क्योंकि ये हुआ था 2000 से 3000, ठीक है, 2 ईयर्स में, तो अब अगले 2 ईयर्स में ये 3000 4000 नहीं होगा, ठीक है, ये 3000 फिर से 1.5 टाइम्स होगा, और इसका 1.5 टाइम्स है 4500, ठीक है। तो ये 4500 होगा ना कि 4000 होगा, ठीक है। जब हम चलेंगे अगले 2 ईयर्स के लिए तो इसका फिर 1.5 टाइम्स होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सीआई चलता है, अगर आपको जो भी बोला जाएगा उसी हिसाब से ये चलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर डबल हो रहा है, देखिए मान ले 2 ईयर्स में डबल हो रहा है, 2000 से ये 4000 हो रहा है 2 ईयर्स में, तो अगले 2 ईयर्स में ये भी डबल होगा, ठीक है, ये डबल है तो ये इसका डबल होगा, 8000 होगा, ठीक है। अगले 2 ईयर्स में ये इसका डबल होगा यानी 16000 होगा। तो ये तरीका होता है चलने का सीआई का, और ये तरीका चलने का होता है एसआई का। तो जब आपको बोला जाता था कि कोई राशि अगर इतने समय में दोगुनी हो जाती है तो कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी, जितने भी क्वेश्चन एसआई में आपसे पूछे जाते थे वहां आप नजर रखते थे परसेंटेज पे, लेकिन सीआई में आपको नजर रखनी है कितने टाइम्स वो हो रहा है। 2 टाइम्स यहाँ है तो 2 टाइम्स फिर से होगा, 2 टाइम्स फिर से होगा, यानी सीआई में इस तरह के क्वेश्चंस में देखी जाती है पावर, ठीक है। अगर 2 साल में ये 3 गुना होता है, ठीक है, कोई राशि जो है वो 2 साल में 3 गुना हो जाती है, आपसे पूछा जाए कि 9 गुना वो कब होगी, इस तरीके से पूछा जाए, तो क्योंकि ये 9 इस 3 की कितनी पावर है, 3 की पावर 2 स्क्वायर है इसका, तो ये जो स्क्वायर है ये यहां होता है मल्टीप्लाई, यानी अगर 2 साल में 3 गुनी होती है तो ये 4 साल में 9 गुना हो जाएगी। ये तरीका होता है सीआई का, ठीक है। जो पावर होती है वो पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 साल में हो रही है 3 गुनी तो ये 4 साल में 9 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी पावर लगेगी गुनी होने में वही पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी टाइम में, इस तरीके से हम आंसर देते हैं सीआई का।
तो ये कंपैरिजन आपको समझ में आया कि एसआई चलता है परसेंटेज से, सीआई चलता है कितने गुना हो रहा है। तो इसी तरह जो पावर होती है, अगर तीन गुना से नौ गुना, तीन गुना देके आपको नौ गुना पूछा जा रहा है, तो क्योंकि ये पावर है टू, इसलिए वो टू मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं कैसे हम करते हैं। तो देखिए, उसी तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ जो मैंने आपको अभी बताया है। सीआई की किसी दर से तीन साल में दोगुनी हो जाती है, कितने सालों में आठ गुनी हो जाएगी। तो ये आपको जो दोगुनी दिया है, ठीक है, और फिर आठ गुनी पूछा है, तो ये आठ जो है वो दो का कितनी पावर है, थ्री पावर है। ठीक है, आठ दो की पावर तीन है। तो ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी कहां पे जाके, इस टाइम में जाके, और आंसर क्या हो जाएगा, नौ साल। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। आपको ध्यान रखना है कि गुनी में जितने पावर होगी वो पावर जाके मल्टीप्लाई होगी टाइम में, वही आपका आंसर होगा सीआई में। ठीक है, अब ये हो क्यों रहा है वो हम देखते हैं। देखिए, क्योंकि तीन साल में ये दोगुनी हो रही थी, ठीक है, तो अगले तीन साल में फिर से ये इसकी दोगुनी होगी, यानी यहां पे अगर दो है तो इसका दोगुना चार होगा। ठीक है, और फिर से अगले तीन साल में इस चार का दोगुना आठ होगा। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि ये जो सीआई होता है वो रेशो में चलता है, ठीक है, इसीलिए आपको आंसर जो देना है वो इस तरह देना है कि पावर को आप मल्टीप्लाई करोगे टाइम में। अगर ये क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जाता कि कोई राशि सीआई कि किसी दर से तीन साल में दोगुनी हो जाती है, यही आपको दिया जाता, और फिर आपसे ये पूछा जाता कि नौ सालों में कितने गुना हो जाएगी, ठीक है, आठ गुनी ना देके वो यहाँ पे सालों की, सालों का नंबर आपको दे देता कि नौ सालों में कितने गुना हो जाएगी। ठीक है, ये आठ आपको ना दिया जाता, तब भी आपको वही करना है कि ये तीन, तीन साल से कितने मल्टीपल हो रहे हैं, थ्री मल्टीपल है, जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है वही आप यहाँ पावर लगाओगे। ठीक है, तो दो गुनी है, डबल है, डबल का इस टू का जो थ्री पावर होगा वही आपका आंसर होगा, कितना होगा, आठ गुनी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछा जाए कि कितने सालों में दोगुनी, इतने सालों में दोगुनी तो कितने सालों में आठ गुनी, तब भी यही है, इतने सालों में दोगुनी तो कितने सालों में आठ गुनी, या फिर साल आपको नहीं दिए जाए और आठ गुनी दे दिया जाए, या फिर आठ गुनी नहीं दिया जाए साल दे दी जाए। दोनों ही तरीके से आपको एक ही काम करना है कि जो गुनी में जो जितने टाइम्स हो रहा है उसमें जो पावर है वो पावर आपके मल्टीप्लाई हो जाएगी टाइम से। अगर आपको ये एग्जैक्टली पावर ना मिले तब आप कैसे करेंगे, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, कोई राशि जो है वो सीआई की किसी दर से चार साल में नौ गुना हो जाती है, तो कितने सालों में 27 गुना हो जाएगी। अब ये 9 टाइम्स और 27 टाइम्स में परफेक्ट पावर नहीं मिल रही है आपको, ये 9 की पावर नहीं है, 27 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, जबकि हमको पावर में मिलना चाहिए, उस पावर को हम मल्टीप्लाई करते हैं इधर। ठीक है, तब हम कैसे करेंगे, देखिए, ये चार साल जो है और ये 9 टाइम्स है और 27, इनमें अगर पावर का रिलेशन नहीं है तो हम देखेंगे कि ये दोनों किस कॉमन नंबर की पावर है। तो देखिए, 9 जो है वो 3 की पावर 2 है, ठीक है, और 27 जो है वो 3 की पावर 3 है। ठीक है, थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कितनी पावर में किस तरीके से है। तो पावर में अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो आपको वाया वाया रिलेशन मिल जाएगा कि ये दोनों किसी एक कॉमन नंबर की पावर है, वो आप निकालिए, और जिस कॉमन नंबर की पावर है, ये 3 की पावर 2 है और ये 3 की पावर 3 है, तो आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इस पावर से, ये देखेंगे कि चार साल में 9 टाइम्स हुई है, तो ये पावर से अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो दो साल आएगा, मींस ये 4 जो है वो बेसिकली 2×2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह पावर 3 है, तो इस 2 से यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि 3 की पावर 2 है, तो यहाँ पे अगर 3 की पावर 3 है तो इस 3 का मल्टीप्लाई होगा 2 से। किस तरीके से किया आपने कि ये 3 की पावर 2 थी और 3 की पावर 3 थी। अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिल रहा है, मान लीजिए यहाँ 27 की जगह 81 टाइम्स होता, ठीक है, तो ये 9 की पावर 2 होती, ठीक है, 81 मीन्स 9 की पावर 2, 9 का स्क्वायर,
तो ये जो पावर 2 होती 9 की, इसको आप मल्टीप्लाई कर देते ये 4 से और आंसर आपका 8 ईयर्स हो जाता। लेकिन ये 27 है तो 27 और 9 में सीधे आपको पावर का रिलेशन नहीं मिल रहा है, तो ये 9 जो है वो 3 की पावर 2 है और 27 3 की पावर 3, यानी किसी कॉमन नंबर की पावर आपको ढूंढनी पड़ी ठीक है इनका रिलेशन बनाने के लिए। और ये पावर 2 से मल्टीप्लाई होके 4 बन रहा है, तो यहाँ पे पावर 3 है उससे मल्टीप्लाई होके जो बनेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो सीआई में आप देखते हैं रेशो कि एक बार जिस तरीके से जिस स्पीड से चीज बढ़ी है अगली बार भी वो उसी स्पीड से बढ़ेगी, उसका प्रिंसिपल उसी तरीके से हो जाएगा ठीक है। अगर ये तो एक पहला तरीका हो गया जो आपको पावर से करना है ठीक है। सेकेंड अगर आप तरीका देखना चाहते हैं रेशो के हिसाब से, तो आप वो आप कैसे करेंगे कि 4 साल में ये 9 गुनी हो रही है ठीक है, कितने सालों में ये 27 टाइम्स हो जाएगी, ऑप्शन से आप देखेंगे तो 8 सालों में, 4 सालों में ये 9 गुनी हो रही है तो अगले 4 सालों में फिर से ये 9 गुनी होगी इस 9 का, तो आंसर आपका 81 टाइम्स हो जाएगा। और आपको ओनली 27 टाइम्स चाहिए तो 8 साल नहीं हो सकता, उससे ज्यादा भी नहीं हो सकता। 5 साल तो बीच में है ठीक है, 2-2 के फिर भी चल रहे हैं, लेकिन 5 तो आएगा ही नहीं, तो 6 आपका आंसर है। अगर आपको परफेक्ट आंसर नहीं मिलता है इस तरीके से भी, सेकंड तरीके से भी, तो थर्ड तरीका आप क्या करेंगे, फिर आप निकाल के देखेंगे जो आपने पावर में डायरेक्टली किया उसको आप करके देखेंगे कि अगर 4 साल में 9 गुनी हो जाती है तो फिर ये 27 टाइम्स के लिए 9 का 3 से मल्टीप्लाई है, तो इसका पिछली बार 3 से मल्टीप्लाई कब हुआ होगा, 2 साल में, और अगले 2 साल में ये फिर से होगा ठीक है। तो इस तरीके से आंसर देंगे, फर्स्ट मेथड हो पावर से देखना, सेकंड मेथड हो जो आपको दिया हुआ है उसके हिसाब से रेशो से, या फिर थर्ड मेथड हो पीछे जाके देखना। तरीका कोई भी हो, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सीआई हमेशा रेशो से चलता है, जैसे एसआई परसेंटेज से चलता था वैसे सीआई रेशो से चलता है ठीक है। तो गुनी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इतने टाइम में इतने टाइम्स हो रही है तो कितने टाइम में इतने टाइम्स इतनी गुनी हो जाएगी। अगर इसकी जगह आपको टाइम्स की जगह नंबर भी दे दिए जाए, अमाउंट भी दे दिया जाए, तब भी तरीका यही रहेगा ठीक है। देखते हैं वो क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा आपके सामने, कोई धन सीआई की किसी दर से 2 साल में 4500 और 4 साल में 7500 हो जाता है ठीक है। 2 साल में 4500 हो रहा है, 4 साल में वो 7500 हो रहा है, आपको वो धन बताना है ठीक है। सीआई की किसी दर से, दर आपको नहीं दी है ठीक है, किसी दर बोल दिया मतलब वही दर दोनों टाइम लग रही है, उसी दर से 2 साल में 4500, 4 साल में 7500 हो जाता है, धन बताइए ठीक है। आपसे आपको दर दी भी नहीं है, दर आपसे पूछी भी नहीं है, आपको सीधे उसने वो धन पूछ लिया है, प्रिंसिपल यहाँ पे पूछ लिया है, जो प्रिंसिपल 2 साल में 4500 जिस रेट से होता है उसी रेट से अगले 2 साल में वो 7500 हो जाता है ठीक है। तो मैंने आपको बताया सीआई हमेशा रेशो से चलता है, तो रेशो से आपको इसका आंसर देना है ठीक है। इसका आंसर दीजिएगा जैसे जो पिछले एक सेम क्वेश्चंस थे गुनी वाले ठीक है, इतने टाइम्स हो जाता है, उसी तरह का ये क्वेश्चन है, 2 साल में इतना 4 साल में इतना, धन बताइए ठीक है। तो उसी तरीके से रेशो वाला क्वेश्चन है, इसको करके आंसर दीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और फिर सीआई के जो अगले क्वेश्चन है उनकी तरफ हम चलेंगे जो एसआई के साथ पूछे जाते हैं, और भी जो पैटर्न है बहुत सारे ठीक है। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा और जो कर रहे हैं वो करते रहिएगा। गुड बाय।